फ्रेंड्स, मैं रूबी, रूबी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का, जो बिल्कुल बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा बनेगा और इसमें किसी तंदूर या अवन की ज़रूरत नहीं है। गाइस, आपके घर में जो नॉर्मल चूल्हा है, आप वैसे चूल्हे में भी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं और इसे बनाने में कोई मेहनत की बात नहीं है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये 250 से 300 ग्राम पनीर है, जिसे मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। और ये देखिए, ये एक टमाटर लिया है मैंने, इसके मैंने बीज निकाल दिया है और इस तरह काट लिया है। एक प्याज है और एक शिमला मिर्च है। और ये देखिए, ये मैंने लिया है 100 ग्राम दही और 7 से 8 मिर्च है, ये थोड़ी सी अदरक है टुकड़ा, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 नींबू। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करूँगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले तो जो अदरक थे, वो अदरक और कुछ मिर्च और जो थोड़ी लहसुन की कलियां मैंने लिया है, इन तीनों चीज़ों को पहले मैं पीस लूँगी, पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, पीस लिया है मैंने। अब ये देखिए, ये 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, जिसे मैं हल्का सा भून लूँगी ताकि जितना इसका कच्चापन हो वो निकल जाए। मीडियम फ्लेम पे ही भुने, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। ये देखिए, भुन गया है बढ़िया से। अब मैं अपने फ्लेम को करूँगी बंद। तो मैंने लिया एक बड़ा सा बोल, अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप दही, यानी कि ये 100 ग्राम दही है। अब मैं इस दही में डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन, ये भी 1 चम्मच है, मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए, अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो पूरा डाल दूंगी। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और ये 1/2 नींबू का रस। अब मैं सारी चीज़ों को अपने दही में फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसे सिर्फ कलर लाने के लिए डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने पनीर के क्यूब्स को कितनी बड़ी बड़ी काटा है। तो इस तरह मैं सारे दही में पनीर को मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से फेंटिएगा क्योंकि पनीर बहुत नरम और सॉफ्ट होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जितनी सब्जियाँ काटा था मैंने, इन सबों को अपने हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे 1 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देख सकते हैं, ये 1 घंटा हो गया है, बढ़िया से ये मैरिनेट हो गया है। अब चलिए मैं इसे एक कबाब स्टिक, ये देख सकते हैं कबाब स्टिक, तो मैं इसी में सेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सब्जी, कोई भी सब्जी ले ले, मैंने तो पहले प्याज ही लिया है, ये देख सकते हैं इस तरह। पहले प्याज, फिर पनीर, फिर सब्जी और फिर पनीर, फिर सब्जी। तो इस तरह देखिए, मैंने 1 कबाब स्टिक नहीं, 2 कबाब स्टिक तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने मीडियम फ्लेम पे, मैं अपने गैस पे ही इसे सेक रही हूँ। देख सकते हैं थोड़े बहुत जो हैं वो लिक्विड, वो थोड़े बहुत आपके गैस पे गिर सकते हैं। ये देखिए, पहला भी सेक रहा है और अब मैं दूसरा भी सेक रही हूँ उसी तरह। तो अगर किसी के पास अगर कबाब स्टिक ना हो तो टेंशन की बात नहीं है, सेम प्रोसेस पे मैं तावा पे भी सेक सकती हूँ। मैंने हल्का सा तेल ग्रीस कर लिया था, ये देख सकते हैं। धीरे धीरे जितने पनीर हो उतनी सब्जियाँ भी मैं तवे पे डाल रही हूँ और धीरे धीरे इसे पलट लें, चारों तरफ से बस सिक जाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये भी भुन तैयार हो गया बढ़िया से सिक के। चलिए मैं सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं, ये एक है तवा पर सिका हुआ और एक कबाब स्टिक में जो मैंने बनाया है पनीर टिक्का। तो देखिए कितना अच्छा बना है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर अपने घर में बनाएं, ट्राई करें।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है गाइस, तो जल्दी जाके कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है रूबी की रसोई। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।